जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, कल हम देख रहे थे अपनी ग्रोथ के एलिमेंट को और उसकी डिस्कशन चल रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। तो द थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड दैट हमारी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम साइक्लिक मूवमेंट में चलती है। वो साइक्लिक मूवमेंट में क्यों चलती है वो हमने अभी देखा कल में, जब हमने एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर का इंटरेक्शन देखा तो हमें पता चला कि एकदम से चीज़ें तेज़ हो जाती हैं और एकदम से स्लो हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट और इनकम का जो एक रिलेशनशिप हमें मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के अंदर नजर आया तो उसे पता चलता था कि अगर इनकम थोड़ी सी बढ़ती थी तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाती थी, जिससे कि एक इकोनॉमी के अंदर आपकी नेशनल इनकम के अंदर इजाफा 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 होना शुरू हो जाता। और फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट या इनकम में कोई थोड़ी सी ब्रेक लगती तो एकदम से आपकी नेशनल इनकम के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती और वो फिर नीचे की तरफ डाउन टर्न ले लेते। तो ये हमने इकोनॉमिस्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ इकोनॉमीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा ना, ये तो पैटर्न हमें बहुत सी इकोनॉमीज में नजर आता है, साइक्लिक मूवमेंट हमें इकोनॉमीज में नजर आती है। उसको देखने के लिए जब उन्होंने डिफरेंट उसके एनालिसिस किए तो एनालिसिस में उनको पता चला कि ना, ये तो जो मामलात हैं इन मामलात को वी कैन डिटरमिन, वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी के हर जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें कुछ रिकवरी का पीरियड आता है, कुछ प्रॉस्पेरिटी का पीरियड आता है, फिर पीक पे जाता है, फिर डाउन टर्न, रिसेशन और आपका थ्रू में चला जाता है और फिर थ्रू से दोबारा रिकवरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। दीज आर डिफरेंट फेजेस जो एक साइकिल के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ हमें नजर आ रहे होते हैं। अब ये फेजेस में इम्पैक्ट क्या होता है, ये फेजेस आते क्यों हैं और ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी कि ग्रोथ के लिए आप ये करें कि जो आपका कंट्री के अंदर हम मॉनिटर करने के लिए बैठे हैं, रेगुलेटर जो बैठे हुए हैं, वो इस चीज के ऊपर नजर रखें कि जब आपकी इकोनॉमी डाउन टर्न के अंदर जाती है, रिसेशन के अंदर जाने लगती है, तो कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिनसे ये दोबारा इकोनॉमी रिकवरी के अंदर फेज के अंदर चली जाए और दोबारा प्रॉस्पेरिटी की फेज के अंदर चली जाए। और फिर अगर दोबारा से डाउन टर्न और रिसेशन की तरफ जाने लगती है तो दोबारा आप कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि ये रिकवरी की तरफ चल पड़े। अगर तो आपकी इकोनॉमी इस फेज के अंदर चलती रहेगी तो एक सर्टन लेवल आप अटेन कर रहे होंगे, आप ग्रो नहीं कर रहे होंगे आपकी इकोनॉमी। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है इकोनॉमी को तो डाउन टर्न आते साथ ही आपको पॉलिसी लेकर आए जो रिकवरी में डाल दे, फिर डाउन टर्न आए तो आपकी पॉलिसी, फिर आप इसी तरह से, तो फिर तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, आपकी नेशनल इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरेज नेशनल इनकम विल बी ग्रोइंग। तो ग्रोथ पर्पज के लिए उन्होंने कहा ना कि आपको पॉलिसीज को देखना। अब वो पॉलिसीज कैसे हम लेकर आए तो हमें उसको जो अनाटॉमी है डिफरेंट फेजेस की उसको समझना पड़ेगा। ये आईकैप का सवाल भी आया हुआ है, उसने आपसे एग्जाम में पूछा भी है कि आप एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। प्रॉस्पेरिटी बूम पीरियड जो है, प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है, रिकवरी के बाद जो प्रॉस्पेरिटी और बूम पीरियड है, इसमें कहते हैं जनाब ये ऐसी स्टेज है जहां पे आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्ट्स प्रोडक्शंस बढ़ रही हैं, लोग इंप्लाई हो रहे हैं, प्राइसेस और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं।
इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग मीनिंग आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट प्राइसेस एंड प्रॉफिट शुड ऑल इंक्रीज, वो इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स इफ दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और आपकी इकोनॉमी एडी, तो आपकी इकोनॉमी इस फेज के अंदर है कि इकोनॉमी के अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। जी सदफ ठीक कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है आपकी इकोनॉमी के अंदर और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ने से लोगों के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, आपकी नेशनल इनकम में भी इजाफा रहा है, आउटपुट यहां से आउटपुट इधर जा रही है, Q1 पर आ गई, नेशनल इनकम में भी इजाफा हो रहा है, आपकी एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, आपकी प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। आप एक्सपेंडिंग इकोनॉमी के अंदर हैं, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी का इफेक्ट आ रहा है इस फेज के अंदर। बेसिक क्या है, ये जो फेज हम पढ़े प्रॉस्पेरिटी का फेज, प्रॉस्पेरिटी का जो फेज है, इस फेज के अंदर योर इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, योर नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, योर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग एंड साइड बाय साइड योर प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगे। इसके साथ होता क्या, करैक्टरिस्टिक्स में देखें, बैंक जब इस तरह की सिचुएशन होगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रही होगी तो बैंक भी कहेंगे यार हाँ क्रेडिट्स ले लो, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग सेविंग्स भी ज्यादा कर रहे होंगे, कंजम्पशन भी कर रहे होंगे, सेविंग भी कर रहे होंगे, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, लोग बैंकों को क्रेडिट फैसिलिटी देने में भी आसानी होगी, तो डिमांड कंज्यूमर हायर इनकम आउटपुट ग्रोथ एज ओवरऑल बिजनेस ऑप्टिमम ऑप्टिमिज्म, तो आउटपुट भी बढ़ रही है, सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैंक क्रेडिट्स ज्यादा दे रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट में आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही, आपके पास सेविंग्स भी ज्यादा हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग फेज के अंदर है। लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, हाई डिमांड, इसका मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर दो वजूहत के बिना पे, एक तो आपका ये प्राइस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के अंदर है, दूसरा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी तो डिमांड बढ़ेगी, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी as by high demand and insufficient level of output. To temper these pressures, central bank are likely to increase interest rate. ये monetary policy में भी देखेंगे कि interest rates बढ़ाने से क्या issue आते हैं. As output increases and increases, there come a point where it can expand no further, which is when the cycle reaches its peak. Output increases and increases. There come a point where it cannot increase further. Aggregate demand आपने बढ़ा ली, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जिससे आगे आउटपुट आपकी जा ही नहीं सकती, ये जो आपका YF जिसको हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कहा हुआ, YF जिसको हमने फिर कहा जी इकोनॉमी आपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे तो मोन लिया। प्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से जो आप आउटपुट ले सकते हैं वो मैक्सिमम आउटपुट आपने ले ली है, सप्लाई साइड के ऊपर इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल पे पहुंच गई, इससे ज्यादा अब इकोनॉमी सप्लाई नहीं कर सकती, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन डिमांड साइड के ऊपर तो आप ज्यादा डिमांड कर सकते हैं ना, डिमांड साइड के ऊपर कंज्यूमर तो कह सकते हैं कि जनाब
मुझे तो पेट्रोल इतना नहीं चाहिए, मुझे तो ज्यादा पेट्रोल चाहिए, मुझे तो बिजली इतनी नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा बिजली चाहिए, मुझे खाने की चीजें इतनी नहीं चाहिए, ज्यादा खाने की चीजें चाहिए, मुझे कपड़े इतने नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो डिमांड साइड के ऊपर स्टिल आपका एक प्रेशर हो सकता है। वो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन सिर्फ इंपैक्ट करेगी। आप हमने यहां पे देखा था कि दिस आउटपुट गैप अगर आगे चला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हो सकेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा, प्राइसेस के अंदर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेंगे। क्लियर है जी? तो प्रॉस्पेरिटी के फेज के अंदर जी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। प्रॉस्पेरिटी की फेज के अंदर आप जब तक आप प्रोडक्शन पोटेंशियल से नीचे रहते हैं, आप अपनी नेशनल इनकम के अंदर इजाफा करते रहते हैं। नेशनल इनकम के अंदर जो इजाफा होता है उसकी वजह से आपको यहां पे, क्योंकि ये जो साइकिल दिखा रहे हैं ना, ये एक साइड पे जीडीपी है और दूसरी साइड पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे जीडीपी है, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आपका जीडीपी जीडीपी बढ़ता जा रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, उसको हमने जीडीपी कहा, जीएनपी कहा। तो नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट देयर कम अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट एक्सीड योर आउटपुट, आपकी आउटपुट इससे आगे जा ही नहीं सकते प्रोडक्शन पोटेंशियल के ऊपर आप पहुंच गए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर अगर आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे, आप एग्रीगेट डिमांड को इजाफा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, इससे आगे भी चलते जाएंगे, तो क्या होगा? अब लोगों के पास इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, आप जो डिमांड है वो बड़ी है लेकिन उस डिमांड को आप कैटर फार्म नहीं कर पा रहे, तो कैटर फार्म ना करने की वजह से क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड प्रेशर हमने देखा था। इकोनॉमी विल फील लाइक कि यार अच्छा टू मच मनी फॉलोइंग टू लेस प्रोडक्ट्स। अब लोग डिमांड तो कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स कम है। प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से क्या होगा? वही 100 प्रोडक्ट जो हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते थे उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। सब लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगी हो सकेंगे, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, लोगों की प्राइसेस बढ़ेंगी और उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, फिर डाउन टर्न स्टार्ट हो जाएगा। डाउन टर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू स्लो डाउन। अब स्लो डाउन होगी, क्यों होगी ये जरूरी देखना है। When demand begins to decrease, अब डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक लेवल आ जाएगा जिस लेवल के ऊपर जो प्राइसेस पहुंच चुकी होंगी, ये प्राइसेस कोई बंदा पे नहीं कर सक रहा होगा, अब डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। वो प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि आप लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, लोग उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स आपके रिड्यूस हो रहे होंगे, क्रेडिट्स लोगों को नहीं मिल रहा होगा, तो इस वजह से फर्म बिगेंस टू स्केल बैक देयर प्रोडक्शन, फर्म प्रोडक्शन रोकना शुरू कर देंगी एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। देर इज स्टेडी डिक्लाइन इन आउटपुट प्रॉफिट प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट भी कम होना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस भी कम होना शुरू हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट भी। और एज डिमांड फॉल्स ऑल फर्म रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग देयर आउटपुट, रिड्यूसिंग आउटपुट रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। बैंक रिड्यूस द क्रेडिट दे इश्यू, बैंक्स भी क्रेडिट खत्म करना शुरू कर देंगे। फर्म्स कैंसिल ऑर्डर दैट दे प्लेस, फर्म्स ने जो परचेज रॉ मटेरियल के ऑर्डर जो दिए थे वो कैंसिल करेंगे। एंड पीपल बिगिंस टू लूज देयर जॉब विच फर्दर डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दिस इवेंचुअली टेक्स द इकोनॉमी इन टू ए स्टेट ऑफ रिसेशन। के अब आपकी इकोनॉमी के अंदर
एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है, अब एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है, प्रोडक्शन भी लोगों ने कम करना शुरू कर दी, क्योंकि जब इस लेवल पे पहुंचे थे तो आपकी प्रोडक्शन प्राइसेस हाई हो गई थी, लोगों ने डिमांड करना कम कर दी थी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है कि प्राइसेस हाई डिमांड लो, तो डिमांड करना कम की, एग्रीगेट डिमांड रिवर्स होना शुरू हुई, एग्रीगेट डिमांड रिवर्स होना शुरू हुई, आपकी जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है आपका वो आ गया, प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हुई, प्रॉफिट कम होना शुरू हुए, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई और आपकी डिमांड भी कम होना शुरू हुई, आपकी नेशनल इनकम भी कम होना शुरू हुई, तो आपकी स्टेट ऑफ रिसेशन की तरफ आप चल पड़ेंगे, डाउनटर्न विल प्रोवाइड यू टूवर्ड्स रिसेशन। रिसेशन एंड डिप्रेशन इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? विद अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई इनकम लो, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आप रिसेशन के अंदर जब हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो गया था, बिल्कुल जी, इनकम भी लो हो गई थी, कंज्यूमर डिमांड भी लो हो गई, इन्वेस्टमेंट भी लो, इकोनॉमी स्लिप्ड इनटू स्टेट वेयर आउटपुट रिमेन्स वेरी लो, इकोनॉमी स्टेट में आ जाती है जहां पे आउटपुट बहुत कम रह जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्नेल की स्पीड पे बिल्कुल स्लो एक्टिविटीज हो जाती हैं, लोगों के अंदर खरीदने की शक्त नहीं, लोग प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूस नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होगी हुई है, आपकी इकोनॉमी एक डाउनवर्ड डाउनटर्न स्टेट के अंदर आ जाती है, हर बंदा स्टैंड स्टिल के ऊपर ही चल जाता है, स्टेटस को के ऊपर ही रहने की कोशिश करता है, उसे एक्सपेंड करने की उस इनर्शिया को तोड़ने की कोशिश मुश्किल हो जाती है। अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज मशीनरी लाइज डॉर्मेंट, बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली लो एज प्रॉफिट एंड प्राइसेस गो लोअर एंड लोअर, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स लोएस्ट मीनिंग द बिजनेस साइकिल इज एट इट्स थ्रू, वो थ्रू से गुजर रहा है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं फिर क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर रह नहीं सकती, रुक नहीं सकती, आपकी मजबूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर दोबारा से कुछ ना कुछ काम उसके अंदर पॉजिटिविटी की तरफ जाना ही जाना है। जब कुल प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करने के तैयार नहीं होते, डिमांड करने वाले डिमांड नहीं करने को तैयार होते, फिर भी एक एक्टिविटी एक लेवल आता है जिससे नीचे जा ही नहीं सकते। फ्रॉम द लो पॉइंट देयर इज एन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज डिमांड बिगिंस टू इंक्रीज स्लाइटली, विद एन इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन इंक्रीज इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो प्राइसेस डिक्रीज होने से क्या होता है, लो प्राइस हाई डिमांड, प्राइसेस डिक्रीज हुई, डिक्रीज हो के नीचे आ गई, जब प्राइसेस डिक्रीज हुई तो डिमांड हाई हुई, डिमांड हाई हुई तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो लोगों ने इनकम बनना शुरू हुई, इनकम नेशनल इनकम में इजाफा, नेशनल इनकम में इजाफा हुआ, लोगों ने सेविंग करना शुरू की, सेविंग करना शुरू की तो बैंक के पास क्रेडिट देने के लिए पैसे आ गए, बैंक ने क्रेडिट पे पैसे दिए तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ी, इस तरह से एक एक्टिविटी दोबारा से चलना शुरू हो जाती है और दोबारा से आपकी इकोनॉमी के अंदर रिकवरी और फिर प्रॉस्पेरिटी के मामला आ जाते हैं, आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ना शुरू होती है, फिर आप एक प्रोडक्शन पोटेंशियल के ऊपर पहुंचते हैं, फिर उससे आगे जाना शुरू होते हैं, तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के ऊपर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, उसकी वजह से डिमांड आपकी डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज होती है तो फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर आता है, इकोनॉमी आपकी डाउन टर्न के अंदर चली जाती है, रिसेशन के अंदर चली जाती है, फिर दोबारा से, तो ये साइकिल चलता रहता है। दिस कॉजेज रिकवरी के अंदर steady rise in output, income and business confidence. This leads an increase in investment, somewhat helped by bank increasing credit. Assets in the economy begins to utilize again and level of GNP increases once more. As this continues, the economy then enter a phase of prosperity and cycle continues. और वो क्या से कहते थे हर कहानी के एंड पे, they live happily ever after. तो ये जो कहानी है ये साइकिल चलता ही रहता है और इसके मामलात फिर इसी तरीके के मामलात चलते ही रहते हैं। अंडरस्टैंड जी, ये जो प्रॉस्पेरिटी उसके अंदर हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी
ऑफ द फेथ एंड देन डाउन टर्न एंड रिसेशन एंड थ्रू एंड रिकवरी देन प्रॉस्पेरिटी देन डाउन टर्न, वो एक एक्टिविटी चलता रहेगी, लेकिन इसकी रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए। दिस रीजनिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड के प्रॉस्पेरिटी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आपकी नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है, क्रेडिट्स बढ़ रहे हैं, आपके सारे लोग प्रॉफिट्स में इजाफा है, लेकिन दूसरी जानब प्राइस में भी इजाफा है। प्राइस में इजाफा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देगा और अल्टीमेटली एक लेवल आएगा जब प्राइसेज इतनी हाई हो जाएंगी कि डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन कर्टेल करेंगे, प्रोडक्शन कर्टेल करेंगे तो आप रिसेशनरी मोड के अंदर चले जाएंगे और फिर एक डिप्रेशन के लेवल पर पहुंच जाएंगे। प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, जब प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस रिड्यूशन आपकी डिमांड में इजाफे का बायस बनेगी। जब डिमांड में इजाफा होना शुरू होगा तो फिर दोबारा से साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी? फिर काजी के इकोनॉमी की ये जो आपने बातें कही, बहुत अच्छी बातें कह दी आपने, गुड। लेकिन इकोनॉमी की जो किस तरीके के साथ हम समझ सकते हैं कि यार इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन की फेज के अंदर है, इस वक्त प्रॉस्पेरिटी की फेज के अंदर है, इस वक्त डाउन टर्न के फेज स्टार्ट होने लगा है। तो आपने तो कहा है कि जी के जो रेगुलेटर है, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज के ऊपर नजर रखे कि जैसे ही डाउन टर्न का फेज स्टार्ट होने लगे, जैसे ही रिसेशन की तरफ जाने लगे, तो वो फिर दोबारा से कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड दोबारा से बढ़नी शुरू हो, प्रोडक्शन दोबारा से बढ़नी शुरू हो, प्रोडक्शन रिड्यूस ना होनी शुरू हो जाए। अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो दोबारा से आप रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटी करे, उसको कैसे पता चलेगा कि जनाब ये चीजें मैं नजर रखूं कि एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाए, वो सारी मामला को पता कैसे चलेगा? हाउ दे विल गेट होल्ड ऑफ दिस थिंग। तो उसके लिए जनाब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको कुछ इंडिकेटर्स बता देते हैं, उन इंडिकेटर्स के ऊपर आप नजर रखें। जिस तरह गाड़ी चलाते हुए देखते हैं ना आप, आपको रेस की स्पीड आपके सामने होते हैं, उन इंडिकेटर्स। जी आवाज भाई, जी आवाज आ रही है? जी डिस्टॉर्शन थी। अच्छा जी, अब कुछ बेहतर है? अच्छा जी, तो वो जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स आपको आपकी गाड़ी की सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं कि पेट्रोल अगर फुल है तो इंडिकेट कर रहा है कि यू कैन ड्राइव अलोंग, और अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि जी कि आपने अपनी गाड़ी को कैसे लेकर चलना है। तो इसी तरह से आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, तीन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर आइडेंटिफाइड हियर। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, को इंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तीन हिस्सों के अंदर तकसीम किया कि लीडिंग, को इंसिडेंट एंड लैगिंग। लीडिंग कौन से हैं? ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की सलाहियत दे सकते हैं कि कोई काम होने से पहले, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन टर्न के अंदर नहीं गई, लेकिन आप अगर इन इंडिकेटर्स के ऊपर नजर रखेंगे तो आपकी इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है उसको आप देख सकेंगे, यार ये काम होने वाला है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा उन चीजों से। फिर कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं? कोइंसिडेंट्स ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि करंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हीं से ही वो हम इंडिकेटर्स लेते हैं, और उनको देखकर आपको इकोनॉमी की करंट
पोजीशन करंट स्टेट आपको नजर आ जाएगी। और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? ये वो इंडिकेटर्स हैं जो काम हो जाने के बाद पास्ट को एनालाइज करके आप असेस कर सकेंगे कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कंडीशन क्या रही थी, आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पास्ट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को असेस कर सकेंगे। दैट इज क्लब्ड एज लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्लियर है जी? तो लीडिंग के अंदर कौन कौन से हैं? लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कहते हैं जनाब, ये आप नजर रखिए, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, के आपके बिजनेसमैन का आपकी इकोनॉमी के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। हर इकोनॉमी चलती किस तरह से है? बिजनेस के साथ ना, प्रोडक्शन प्रोसेस सामने सारा देखा। तो अगर आपका बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन आज बिजनेस स्टार्ट करेगा तो शायद प्रोडक्शन स्टार्ट, फैक्ट्री लगाएगा तो उसकी प्रोडक्शन, लेकिन तो एक साल बाद दो साल बाद वो शायद रेवेन्यू कमाना शुरू करेगा। तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर लोगों का, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस मौजूद है तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की आपके लिए सहूलत कर देंगे। देन मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स, अगर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं और आपके पास जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके पास अगले 6 महीने के, 7 महीने के, साल के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मिलेट सेक्टर से, मिलेट में हमारे पास 6 महीने तक की प्रोडक्शन एडवांस में बुक्ड होती थी, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस होती थी हमारी प्रोडक्शन एडवांस बुकिंग हमें बता देती थी कि आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज लो है, कहते कि हमारी सेल हो जाती थी लेकिन जो बुकिंग के ऑर्डर रह जाते थे वो सिर्फ 4 महीने के रह जाते थे, या नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रोडक्शन की ऑर्डर बुकिंग रह जाती थी। तो उससे आइडिया हो जाता था कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्लोइंग डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन स्लो मोड, बजाय इसके 6 महीने को मेंटेन करते ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर्स, वो हमारे 6 महीने या उससे आगे बढ़ते, लोगों के अंदर प्रेशर आ रहा है, लोग मजीद बुकिंग करवाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते जा रहे। तो इसी तरह से आपको आइडिया रहता है। न्यू बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसिंग, बिल्डिंग परमिट हमारे यहाँ तो हम लोग एलडीए को और बाकी लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वरना जो भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है किसी भी इलाके में उसकी अप्रूवल लेनी होती है, उसका नक्शा पास कराना, हमने अक्सर बिस्तर आपने बात सुनी होगी, नक्शा पास कराना होता है कि जनाब ये जो बिल्डिंग हम है ये बनाने लगे। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर नजर रखे कि जी के कितने नक्शे पास हो रहे हैं हमारे पास से, तो गवर्नमेंट को आइडिया हो जाएगा कि इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी फ्यूचर में होनी है, लोग अभी बिल्डिंग बनाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई और काम करेंगे, तो लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं ये काम कर लूंगा, सेविंग्स होंगी, और दूसरा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इतनी जनरेट होंगी। देन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हमने चैप्टर 11 भी पढ़ना है, मनी सप्लाई से अगर इकोनॉमी के मनी सप्लाई आपकी पैसों की, अगर इजाफा हो रहा है मनी सप्लाई के अंदर, इजाफा हो रहा है मनी सप्लाई सर्कुलेशन बढ़ रही है, अब मनी सप्लाई में इजाफा ये तो नहीं होता कि कोई नोट छापने शुरू कर देंगे आप जी, आवाज जी, आवाज का क्या सिचुएशन है जनाब? अच्छा कट जाती है, चले अल्लाह हेल्प करे आप ना कटे। तो मनी सप्लाई ये तो नहीं है कि जी के आपने को नोट छापने शुरू कर दिए, लेकिन वो मनी सप्लाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर्कुलेशन कितनी हो रही है। 100 रुपए का नोट है तो वो एक ही हाथ में है, या 100 रुपए का नोट एक शख्स के पास जाता है, फिर दूसरे शख्स के पास, फिर तीसरे शख्स के पास,
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब ज्यादा होंगी तो मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगी, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो मनी सर्कुलेशन कम होगी। क्लियर है ना? तो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। आप लोग एम्प्लॉयमेंट आज के दिन में मुझे देखना हो, बात करनी हो, देखना हो, चेक करूं कि ना पाकिस्तान में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार अभी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंची। प्रोडक्शन पोटेंशियल और अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल देयर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग नेशन। तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड से हमें पता चल जाएगा कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और उससे पता चलेगा कि जी कि हाँ हमें मजीद प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आज के दिन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हमें पता चल गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से है। सीमेंट की प्रोडक्शन देखें कितनी है। अगर सीमेंट की प्रोडक्शन 10 लाख टन हो रही है, कल की प्रोडक्शन से आज प्रोडक्शन बेहतर हो रही है और सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, ऐसा नहीं हुआ कि सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। कोई गाड़ियों की प्रोडक्शन हो रही है, गाड़ियों की फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई। आपकी टेक्सटाइल की प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आज के दिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमिक सेंस क्या है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है नहीं है। जैसे ही डाउनटर्न शुरू हो जाएगा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकना शुरू हो जाएंगी, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुकना शुरू हो जाएगी, कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, कुछ इंडस्ट्रीज चलेंगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी करंट सिचुएशन आपको बताएगी, इंडिकेट करेगी। पर्सनल इनकम, लोगों की पर्सनल इनकम में आज के दिन की प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम हमें बताएगी कि लोगों के पास सेविंग्स के लिए पैसे हैं नहीं है, लोगों के कंजम्पशन के लिए पैसे हैं नहीं है। तो वो पर्सनल इनकम को अगर हम कैलकुलेट कर सके आज की, तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही है ना। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आज के दिन, यार मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर है, क्यों? क्योंकि आज मेरे मेरी जेब में 10,000 रुपया है। तो भाई आपकी पर्सनल इनकम इस वक्त आपके पास 10,000 रुपया है, यू कैन स्पेंड इट और सेव इट। तो अगर इकोनॉमी के लोगों की पर्सनल इनकम को वी कैन जज ऑन स्पेसिफिक डेट, सो वी विल बी एबल टू डिटरमिन के जी के ये पैसे यहाँ सेविंग्स में जाएंगे, अगर सेविंग्स में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, और अगर कंजम्पशन में जाएंगे तो कंजम्पशन से हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के जरिए से के जी के कंजम्पशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी। और अगर पर्सनल इनकम कम होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। पर्सनल इनकम अगर लेवल ज्यादा होंगे तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल, जो सेल कर रहे हैं आपने ट्रेडिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आज के दिन सेल्स अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। अगर सेल्स नहीं हो रही तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई हैं। तो ये को इंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं जो जिस वक्त हो रहा है करंट सिचुएशन को उसको बता रहे हैं। और ये लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपके पास आपके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जी। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? यार अच्छा, पिछले साल ये कितने की थी और इस साल में ये कितने की हो गई है, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री को देखना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रांजेक्शन। ऐसा ही है ना? आज के दिन में ये कितने की बिक रही है, आज के दिन में ये कितने क्या प्राइस है, वो पास्ट की ट्रांजेक्शन है। कल इसकी कीमत कितनी होगी, कल कितनी प्राइस होगी, वो भी हमें नहीं पता। लेकिन इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगी जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हुई हैं उनकी बेस के ऊपर। तो इसलिए ये लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग कितनी अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहे। एक बंदे ने जॉब छोड़ी, उसको दूसरी जॉब ढूंढने में, दूसरी जॉब मिलने में उसको कितना टाइम लगा। तो ये भी पास्ट की ट्रांजेक्शन को देखते हुए, पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट रेट्स भी इंडिकेटर होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट लो हो रहे हैं तो
तो उसका क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और उससे इकोनॉमिक और इंटरेस्ट रेट अगर कम हो बढ़ रहे हैं तो उससे क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी और लोग आप अपनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसको रोकना चाह रहे हैं। और एवरेज इनकम लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि एवरेज इनकम कितनी थी पिछले साल में, उससे पिछले साल कितनी थी, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ी है कम हुई है, उससे भी पता चल जाएगा। क्लियर है जी? लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ भी आप इसको देख लेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने देखे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ और उस तरह की। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।